हेलो दोस्तों, ये मेरे पास एक MI का फ़ोन है जिसका बैटरी में नंबर लिखा हुआ BN34। इसको नेट में जब आप सर्च करिएगा तो ये Redmi 5A दिखाएगा। तो इसका मैं कोई प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसे ये अभी ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद क्या होता है, जितना बार इसको स्विच ऑफ करके ऑन करिएगा उतना इसका परसेंटेज ख़त्म हो जाता है। और जैसे अभी 100% है, यूज करते करते आप देखिएगा थोड़ी देर में 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर इसको स्विच ऑफ करके ऑन करिएगा फिर 10-15% कम जाता है। तो आज मैं इसका ही सॉल्यूशन बताऊंगा कि ऐसा यदि आपका फ़ोन में यदि प्रॉब्लम हो तो उसको आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको आप देखिए, वेट करते हैं ऑन होने के लिए। ये देखिए फ़ोन चालू हो चुका है और इसका मैं परसेंटेज दिखाता हूँ, 44% है। काम वाम सब ओके है, इसका सब कुछ काम कर रहा है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ रहा है, इसको आपको देखिए, फ्री अप स्पेस ऑन योर डिवाइस टू कंटिन्यू क्लीन करना, इसका स्पेस भी भर चुका है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि कस्टमर का इसमें डेटा है। फिर यदि मैं इसको भी कुछ देर यूज करूँगा तो परसेंटेज कम जाएगा। और जैसे फिर इसको मैं अभी ऑफ करके ऑन करूँगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसका परसेंटेज कम जाएगा। अभी मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ, इसको रिबूट भी नहीं हो रहा है क्योंकि उसका थोड़ा सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम है। फिर मैं इसका बैटरी का वायर खोल के फिर से मैं इसको कनेक्ट करके ऑन कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं फिर आपको इसको भी दिखा रहा हूँ ऑन करके, आप मेरे वीडियो पे बने रहें। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल को ही पकड़ा हुआ हूँ। देखिए फिर ये अभी चालू हो गया। उस थोड़ा देर पहले क्या था, 24% था और 44% था। अभी देखिए आपको दिखाता हूँ सामने से, अभी देखिए 24% दिखा रहा है, ये देख सकते हैं 24% है और ये मैसेज आ रहा था। ये तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो यदि आपका भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है और बैटरी भी इसका ठीक तरह से चार्ज हो रहा है, यदि इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको अभी क्या करना है, इसका बैटरी को चेंज करना है। ये बैटरी यदि आप चेंज कर देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको इसका बैटरी अभी चेंज करके दिखाता हूँ। और इसका भी मैं सॉफ्टवेयर अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कस्टमर का इसमें कुछ डेटा वगैरह है। तो यदि बैकअप का प्रॉब्लम आए, यदि आपका 100% थोड़ी देर में 20% हो जाए, फिर ऑन करने के बाद फिर वो 100% हो जाए या कम जाए, तो वो आपका बैटरी का ही प्रॉब्लम है। तो इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, BN34, ये MI का फ़ोन है। यदि ये मॉडल आप गूगल में मारेंगे BN34 मॉडल नंबर बोल के, तो ये आपको दिखा देगा Redmi 5A। तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप इसका बैटरी आप चेंज करिएगा तो हो जाए। तो मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे दो टेप होता है, यहाँ पे वो टेप को ट्वीजर के द्वारा निकालना पड़ेगा। इस तरह का आप ट्वीजर ले लें, ट्वीजर का थ्रू रबर को प्रेस करके निकाले। यदि आप इधर में ट्वीजर लगाते हैं बैटरी में, यदि ट्वीजर अंदर चला जाता है तो ये आग लग जाएगा, ब्रास्ट हो जाता है। तो बहुत केयरफुली निकालिए। मैं इसको निकाल चुका हूँ, ये देखिए मैं निकाल चुका हूँ। मैं अभी नया बैटरी आपको डाल कर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने बैटरी रिप्लेस कर दिया हूँ और ये पुराना वाला बैटरी है BN34। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है और ये पुराना नया बैटरी है, इसमें भी BN34 लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए ऑन हो रहा है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ऑन होने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं इसमें 62% है बैटरी, 62%। इसको अभी ऑफ करके फिर एक बार ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कितना डिस्चार्ज होता है। फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया हूँ, ऑफ करके फिर मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं क्या दिखा रहा है, पहले 62 था, अभी देखते हैं क्या दिखाता है। थोड़ा वो 1-2% हो सकता है या खूब बहुत से ज़्यादा आपका 5% तक डाउन होगा क्योंकि लोड पड़ता है ऑन होने के समय। बूटिंग जब होता है मोबाइल तो थोड़ा प्रेशर पड़ता है बैटरी पर, लेकिन एक ही बार 25%, 30%, 15%, 20% होने से वो बैटरी का ही इफेक्ट होता है। मैं अभी देख लेता हूँ, इसको ऑन होने देते हैं, फिर अभी देखते हैं क्या कंडीशन है इसका। जैसे कि देख सकते हैं इसमें 58 है,
दो चार 5% तक चलता है इसका, इसका कोई दिक्कत नहीं है 2-4-5% के लिए। इसको अभी ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए 58 है, 2-4-5% ठीक रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यदि आपका प्रॉब्लम होता है एक ही में 20-25% कम जाता है या 70-50% के बाद ऑफ हो जाता है, तो आपको बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप मेरे वीडियो को, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके।